लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिसको फिल्म का रूप देते हुए इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म के विश्वास को ठेस न लगे, बल्कि भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा और बढ़े। हमारा भारत देश धर्म, कर्म, मर्यादा और परंपराओं की बुनियाद पर खड़ा है और यह विश्वास किया जाता है कि और देवी देवताओं की तरह श्री हनुमान जी भी अमर हैं। तो आइए भगवान श्री राम का नाम लेकर अपनी काल्पनिक यात्रा शुरू करें और देखें कि इस ब्रह्मांड में चिरंजीवी श्री हनुमान जी कहाँ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल सियापति रामचंद्र की जय। माता, आज मेरी कौन सी मूर्ता पे हंसी आ गई? बल के प्रतीक पवन पुत्र के शरीर पर सिंदूर देखकर। क्षमा कीजिए प्रभु, ये मूर्ता नहीं, इसकी प्रेरणा तो मुझे माता सीता से मिली। हाँ? युगों पहले एक दिन, हाँ एक दिन। माता। पवन पुत्र, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? पूछो। बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था। क्या?
कि आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? पवन पुत्र, तुम्हारी बातों में बालक का भोलापन है। तुम सिंदूर लगाने का अर्थ नहीं जानते? नहीं माता। सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है। समझ गया माता, समझ गया। ये नादान बिल्कुल समझ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। और उसी दिन से अपने शरीर पर सिंदूर डालना मेरा कर्तव्य बन गया, ताकि सबके स्वामी भगवान श्री राम की आयु अनंत हो। और ये शुभ कार्य मैंने अयोध्या जी में आरंभ किया। अयोध्या? किस सोच में पड़ गए प्रभु? उस युग की अयोध्या और कलयुग की अयोध्या में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। ऐसा हो गया है पवन पुत्र। जिस भूमि पे आपके पावन चरण पड़े हों, वो कैसे बदल सकती है? ये असंभव है प्रभु, असंभव। सब कुछ संभव है पवन पुत्र। जब मैं मर्यादा में बंधा हुआ था, तब मैंने स्वयं सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। आज तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा मेरी? हां पवन पुत्र, हमारी इच्छा है कि तुम ना केवल अयोध्या ही बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष, वहां के लोग, वहां का वातावरण देखकर आओ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। किंतु सावधान, हमारी आज्ञा के बिना तुम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे। जी समझ गया प्रभु। जाओ और जाकर देखो कैसा है ये कलयुग। बोल सियावर रामचंद्र की जय। Yeah.
सियावर रामचंद्र की जय। शांत हो जाइए, ऐसे भूकंप ऐसे झटके तो कोयना डैम की वजह से आते ही रहते हैं। आप लोग शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए। कसम है बजरंगबली की, जहां रामलीला होती है वहां हनुमान जी होते हैं, वहां कोई संकट नहीं आ सकता, बैठ जाइए। मैं ठाकुर हनुमान सिंह बचपन से ही हनुमान जी का भक्त हूं, और अगर हनुमान जी के सीने में भगवान राम है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मेरे सीने में से भी हनुमान जी ही निकलेंगे। एक भक्त का भक्त। अब आप लोग शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए भाइयों, बैठ जाइए। हाँ, और शांति से रामलीला देखिए। सेठ जी, बहुत ही बुरी खबर है सेठ जी। क्या? वो आज नहीं आने वाला। कौन? हनुमान। है? हनुमान नहीं आएगा तो रामलीला कैसे होगी? अरे हम तो बर्बाद हो जाएंगे चंदन लगा के। सेठ जी, वो साला बीमार है हनुमान अपना। झूठ, और वो भी दो दो। पहले तो हनुमान किसी का साला नहीं, और दूसरा मैं बीमार नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्वस्थ। चंदन लगा के। सेठ जी, एक बात है, आप इसी को 10-15 रुपए ज्यादा देकर हनुमान बना दीजिए। बिल्कुल मेकअप में आए हैं, एकदम रेडीमेड हनुमान है ये। यू आर राइट। आपका नाम? नाम? हनुमान का नाम हनुमान। अरे भाई, दूसरा नाम होगा ना कोई? पवन पुत्र। शराबी है। नो टांग ठोक के आया क्या? ये नौ का अर्थ तो मैं समझता हूँ, परंतु ये टांग क्या होता है? चंदन लगा के हमारे रामलीला काम करोगे? हनुमान ने अपने राम के सिवा किसी का काम नहीं किया। मिश्रा, इससे कुछ नहीं होना है, एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आती, चलो चल के दूसरा हनुमान ढूंढो हनुमान गली में। पवन पुत्र। जी प्रभु। ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुमने उन्हें निराश कर दिया। जाओ, जो ये कहे वो करो। ये कलयुग है कलयुग। जो आ गया प्रभु, जो आ गया। ठहरिए। क्या है? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। देखा मिश्रा, इन एक्टरों की जरा सी चमचागिरी करो ना तो ये सर पे चढ़ने लगते हैं चंदन लगा के, और जरा इन्हें जमीन पे पटक दो तो फिर ये अपनी चमचागिरी करते हैं। अच्छा, तुम जाओ उधर का काम सब। अच्छा अच्छा, और सुनो, चलो तुम चलो रामलीला में, पहले ही देर हो रही। बहनों और भाइयों, आज के दृश्य में आप देखेंगे भाई के वियोग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं, और वेदराज सुखेना जी संजीवनी बूटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं चंदन लगा के। है? खुजली? खुजली की बूटी। अच्छा, तुम होश में ना आए मेरे भैया तो मर जाएगी हम सब की मैया, छा जाएगा मातम रोएगी अयोध्या, ना चूठेगी रावण की लंका करके ताता थैया, कब उठेगा तू मेरे भैया? महाराजा धीराज, मत हो परेशान, आ जाएगी लखन में जान जब लेकर आएंगे संजीवनी हनुमान। बात खुजली हो रही है। ये दुष्ट पापी मदिरा पीकर रामलीला करते हैं, मैं इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं पीता साहब, खुली 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 खुली। अरे हनुमान, बड़ी खुली हो रही रे। चरित्रहीन पात्रो। अरे ये सब क्या है? ये कलयुग और रामायण है।
पहले मैंने रावण की लंका जलाई थी, अब इस मंडुए को आग लगा दूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जय बजरंग बली। उड़ता हुआ इंसान, ये बेईमान जरूर किसी दूसरे देश का जासूस लगता है। जेम्स बॉन्ड की तरह मशीन लगा कर उड़ रहा है, और वो भी मेरे बजरंग बली के भेस में। सिपाहियों इधर आओ, देखो चल के हेडक्वार्टर्स पर रिपोर्ट करते हैं। ये जरूर किसी दूसरे देश का जासूस लगता है, हमारा देश खतरे में है। चलो मैं हनुमान चालीसा पढ़कर इसे पकड़ लूंगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। चलो हस बदन तुम रो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहज बदन तुम रो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। समकालिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। समकालिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। यम कुबेर पुत्र। जी प्रभु। ये सैनिक हैं, इन्हें अपना कर्तव्य करने दो। लेकिन मुझे तो कुछ बताइए प्रभु। मैं तुम्हारा रूप, नयन, वेशभूषा सब बदल दूंगा। जो भाषा तुमसे बोली जाएगी, ना केवल उसे तुम समझोगे बल्कि बोलोगे भी। जो आ गया प्रभु। कमान कमान हरि अप। मेरी पूछ। पवन पुत्र, लेकिन ये समझ लो कि अब से तुम केवल काल्पनिक हनुमान हो, सिर्फ काल्पनिक। अब तुमको सबके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना होगा। जो आ गया प्रभु, जो आ गया। जय श्री राम। एक्सक्यूज मी। और सुनो, ऊपर ऊपर। अरे कहाँ गया? सारे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तो फिर गया कहाँ? एक तो देश खतरे में है। जय हनुमंत, संत हितकारी रखियो प्रभु जी, लाज हमारी। जय हनुमंत। सूट वाला सर, ये है आज के फैंसी शो का इनविटेशन कार्ड। आज आपको वहीं जाना है सर, प्लीज। पवन कुमार। कुमार? यस सर, आजकल नाम के बाद कुमार लगाना एक फैशन हो गया है, जैसे दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और मनोज। मैं समझ गया समझ गया। अब चलिए। स्टॉप स्टॉप, वेट वेट प्लीज। कुछ चक्कर है। क्या चक्कर है? मैं ऐसी हो का पेपर्स प्लीज। जी गाड़ी के कागजात दिखाइए। ये लीजिए।
पवन कुमार तुलसी निवास। 11वां रास्ता जू पार्ले स्कीम यही ना? कुछ समझ में नहीं आता, ये लीजिए। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, अगर कुछ समय ना हो तो बंगले पे आ जाना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कसम बजरंग बली की कुछ शक सा हो गया था। मैं आपको स्मगलर दिखता हूँ? नहीं 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 तो नहीं। मे आई नो योर नेम प्लीज? आपका नाम? माय नेम इज कहाँ गया वो, हाँ मेरा नाम है हनुमान सिंह, ठाकुर हनुमान सिंह। होगा लगते तो नहीं। देखिए देखिए आप मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। नो डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। ये रहा भगवान श्री राम का प्रसाद। चलो ड्राइवर। जहां से वो उड़ता हुआ जासूस गायब हुआ वहीं से ये पवन कुमार निकला। जरूर दोनों में कोई कनेक्शन है। ठीक है इसका भी पीछा करता हूं, देखता हूं भागकर जा। देखता हूं भाग के जाता कहां है। गुड इवनिंग इवनिंग सर, वेलकम वेलकम सर, योर टेबल टेबल सर, योर चेयर चेयर सर, शिट शिट आई मीन सिट सर सिट। थैंक यू। आजी देखो देखो मुझको यारो माफ करना। यू वांट चेंज चेंज सर? कीपो 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 हंड्रेड हंड्रेड। थैंक यू। खीसो 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 खीसो। कसम है राग पैरवी की, कोई नया बकरा लगता है। यसूजा। यस सर यस सर। दो करोड़ मांटी से लेने, दो करोड़ से टोटल हो गए 25 करोड़। कौन है ये? श्री पवन पवन कुमार जी, किसी रियासत के राजा राजा हैं। वेरी वेरी बिग कारोबार कारोबार, और साथ में इज अ बिग टाइकून टाइकून। तुम्हें कैसे मालूम? सर मैंने नीचे रिसेप्शन रिसेप्शन में सुना है। कामनी। यस। इतना बड़ा आदमी और भैरव से नहीं जानता, बड़ी अजीब बात है। कौन? हेलो पवन कुमार जी। हेलो। मेरा नाम भैरव सिंह है। सो व्हाट? इनसे मिलिए, ये है मेरी सेक्रेटरी मिस कामनी। नाइस टू मीट यू। कामनी और कामना में कितना अंतर, यानी कि कितना डिफरेंस होता है ये मैं जानता हूँ। आई अंडरस्टैंड इट। लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ जी बहुत तो नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में पीएचडी यानी के डॉक्टरेट कर चुका हूँ। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने पीएचडी नहीं किया? जी वो रेड लाइट एरिया, मेरा मतलब है जिस सब्जेक्ट में आप और भैरव सिंह ने पीएचडी की है मैंने नहीं की। जनाब जी हमारी सोबत में रहेंगे तो सब्जेक्ट में भी आपको पीएचडी करवा देंगे, लेकिन पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और अब आज के हमारे फैंसी ड्रेस का लास्ट आइटम, हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती कमला देवी की बहू मिसेज सरिता पेश करेंगी। सरिता, ये तो मंत्र है। थू थू। हाँ क्या कहा? राजा दशरथ ने राम को राजपाट सौंपने का फैसला कर लिया। क्या कहा? राम तुम्हारा बेटा है।
तुम्हारी सेंस कुछ नॉनसेंस बन गई है। क्या कहा? मेरा राम ऐसा नहीं है? अरे राम और तुम्हारा राजा राम जैसा भी हो, कौशल्या को तुम नहीं जानती, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। बकवास बंद करो, अगर तुमने गाली दी तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अरे वाह, यू इडियट, तुम अपना फैंसी ड्रेस दिखा चुके हो। लेकिन हनुमान बनकर हनुमान के डायलॉग बोलना तो मेरा फर्ज है ना। ठीक ही कहा इसने मिस्टर भड़ो सिंह। भैरव सिंह? यस भैरव सिंह, या बिल्कुल ठीक कह रहा है। मंथरा, फैंसी शो का फर्स्ट प्राइज मुझे लेना है, समझी या फोड़ू सर? तुम नशे में बोल रहे हो। हाँ, तुम विस्की पीकर एक्टिंग कर रही हो और मैं ठर्रा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। घोर कलयुग है मिस्टर भैरव। ये क्या होता है कुमार जी? हनुमान, हनुमान का रोल करने वाला शराब पिए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जज साहब के फैसले के मुताबिक हमारे फैंसी ड्रेस शो का फर्स्ट प्राइज मिसेस सरिता को दिया जाता है। मंथरा को फर्स्ट प्राइज, बिकॉज दिस इज कलयुग, अंडरस्टैंड? वेल डन डार्लिंग, वेल डन, कंग्रेचुलेशन। क्या गेटअप किया है, क्या एक्टिंग की है, ये सब आप ही की ट्रेनिंग है मम्मी। इट्स ऑल राइट, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट, एक्सेप्ट दिस। थैंक यू। साहबान, आप जिगर थाम के बैठिए और देखिए बूढ़ी मंथरा का असली रूप। राम 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 राम। नारी और ऐसे वस्त्रों में, भारतीय नारी के नाम पे कलंक है। अरे बॉडी, खूबसूरत बॉडी, 36 28 36। भारतीय नारी और सिगरेट। बेटे जी। मम्मी, लगता है भैरव सिंह ने कोई बड़ा बकरा फंसाया है। सरिता, बात ये है कि पवन कुमार जी, सरिता जी आई है, आइए। टाइम वेस्ट मनी वेस्ट। आइए आइए, मैं आपको पवन कुमार जी से मिलवाता हूँ। हेलो मिस्टर पवन कुमार। नमस्ते, मेरा नाम कमला है और ये मेरी बहू सरिता। हेलो। जिन हाथों में सिगरेट होता है ना, मैं उनसे हाथ आज भी नहीं मिलाता। लीजिए, मैं हाथ धो लेती हूँ, कामनी डाले मेरा हाथ धुला दो। बस अब ठीक है ना? विस्की गंगा जल नहीं होती, विस्की इज नॉट गंगा जल। और गंगा जल से भी सिर्फ तन का मैल धुलता है, मन का नहीं। मैं चलूं। टच मी नॉट, टच मी नॉट। मिस्टर पवन कुमार जी, जी 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 जी, आप तो रियली बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। जी जी सर। ईता जी, मेरा सुझाव है कि आप अपना नाम सरिता से बदल के पतीसा रख लें। पतीसा खाने की चीज है, मीठी मीठी, और पंजाब में तो कमाल मिलती है। What? अगर ये पसंद नहीं तो कट नोज यानी किस रूप का रख लो। बाय। बड़ा आया 30 मार खा। कामनी आप कौन? जी मैं कमला जी का बेटा दमन, और ये है मेरी होने वाली वाइफ निर्मला। नमस्ते। आप अपनी माताजी की इकलौती संतान है? जी नहीं, मेरा एक भाई है रमन और वो है उनकी वाइफ सरिता। वाइफ से धर्मपत्नी अच्छा शब्द है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे आपका करैक्टर यानी कि चरित्र इन सब से अच्छा लगा है। धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि बी वेयर ऑफ डॉग्स। क्या मतलब? तुमने मुझे कुत्ता कहा? आई विल किल यू। देव तारी तला कौन मारी? मतलब
अरे महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी नहीं जानते, शर्म आनी चाहिए। देव तारी चला कौन मारी का मतलब है चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। बहन डसने वाली चीजों से बचो। तेरी तो क्या यू स्काउंडरल, इस बार तो संजीवनी भी मुश्किल हो जाएगी। नमस्ते नमस्ते। जी आपके सेक्रेटरी साहब से आपका टाइम लेना चाहती हूँ। इसलिए आज की मुलाकात से जो पेड़ उगा है उसके फल खाने फल? प्लीज सॉरी प्लीज डिसअपॉइंट मत कीजिएगा। हमने आज तक कभी किसी को अपॉइंट नहीं किया, मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया। ओह थैंक यू। तो फिर कल मॉडर्न क्लब के स्विमिंग पूल पर मैं आपका इंतजार करूंगी। मॉडर्न वैसे जी आजकल इस देश में वस्त्रों की कमी है। जी ओके सी यू टुमारो एट मॉडर्न क्लब। छेला कपड़े तो कल दिखाऊंगी। मिस्टर कुमार। यस मिसेस 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 सरिता। मैंने सोचा शायद मेरे सुझाव के बाद आपने अपना नाम बदल दिया हो। सरिता सरिता ही रहती है। वैसे आपने मुझे ये सुझाव क्यों दिया था? इसलिए कि भारतीय नारी का नाम बदनाम ना हो जाए। हाय बदनाम भी घर होंगे तो क्या नाम ना होगा? देखिए मुझे यहाँ कामनी जी ने बुलाया था, कहाँ है वो? बस आती ही होगी। वो आए तो उनसे कह दीजिएगा मैं आया था। अच्छा सरिता जी जय श्री राम। मिस्टर कुमार इस देश में वाकई कपड़ों की कमी है। व्हाट अरे भाई हटो मुझे आराम से बैठने दो। मेरी माँ बच्चे बोलो मैं चला पूरा। पूरब की ओर प्यार मेरा ना चोरी कर ले ये पश्चिम के चोर रे। चल भाग चले पूरब की ओर चल भाग
गए हैं, इन्हें रास्ते पे लाओ प्रभु। जय श्री राम। जय हनुमान जी की। बजरंगबली, इस रमन का प्रणाम स्वीकार करो। जय बजरंगबली। कहिए कमला जी, क्या आ गया है? पुजारी जी, जी हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए। अवश्य। कल रेस में हमारा घोड़ा चेतक दौड़ रहा है जी, और हमने अपनी सारी पूंजी उस पर लगा दी है। आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए हमारा घोड़ा जीत जाए। देखिए कितनी सुंदर चांदी की आंखें हमने हनुमान जी को अर्पण की है, ताकि उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़े। सुंदर, अति सुंदर, महाबली अवश्य आपका कल्याण करेंगे। बेटे रमन। अच्छा पुजारी जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आपका काम तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है। लो ये लीजिए पुजारी जी, आप भी खुश रहिए। अब मैं भी खुश, हनुमान जी भी खुश। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। पुजारी को पैसे भी दिए और चांदी की आंखें भी चढ़ाई। जब मैंने उस जॉकी को खरीद लिया है जिसका घोड़ा इस रेस में फर्स्ट आने वाला है, तो फिर ये सब क्या? क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? तुमने जिस जॉकी को खरीदा है उसका नाम शैतान सिंह है, और शैतान को मुट्ठी में रखने के लिए भगवान को बस में करना बहुत जरूरी होता है। That's right, मम्मी। कमला, कमला। यहाँ भी आ गए तुम हिलाते हिलाते। क्या काम है, क्यों आए हो? माँ का युद्ध है, जिसे तार आया है वो सख्त बीमार है। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दो, मैं उसे यहाँ लाऊं, उसका इलाज करवाऊं, क्योंकि कैंसर का इलाज सिर्फ बम्बई में होता है। कैंसर वालों को तो एक दिन मरना ही है, फिर ये बम्बई लाने ले जाने का खर्चा क्यों? उसे वहीं आराम से मरने दो। कमला, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, और तुम चंद पैसों के लिए मेरी माँ के लिए ऐसा कह रही हो? याद रखो भगवान से डरो, एक दिन ऐसी सजा देगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। शट अप यू ओल्ड मैन, यू बूढ़े पति, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा ऐसी बात की ना तो घर में जो दो वक्त की रोटी मिल रही है वो भी बंद हो जाए। मैं पूछता हूँ कि आखिर मेरी माँ का दोष क्या है? उसका दोष ये है कि हमारे पुरखों ने जो राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियाँ छुपा रखी हैं, वो उनका राज जानती है। उन मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए है, वो पता नहीं बताती। और उस बुढ़िया ने इस राज को कैंसर की तरह अपने सीने में छुपा रखा है। अगर उसे कैंसर का रोग नहीं होगा तो क्या होगा? डैडी, ये बिजनेस का जमाना है, जाइए और जाकर अपनी माँ से मूर्तियों का राज पता करके आइए, और फिर हमें बताइए, हम उन्हें बेचकर करोड़पति हो जाएंगे और तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा। हाँ। मेरी माँ ने अगर मुझे बता भी दिया तो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं गलियों में भीख मांग लूंगा, भूखा मर जाऊंगा, मगर अपने भगवान को बेचकर ये पाप नहीं करूंगा। तो फिर ये कौन से पाप की सजा भोग रहे हो तुम? अरे इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि मैंने इस चुड़ैल की शादी की। बंटे, मेरी माँ को चुड़ैल का? मरने दो इस बूढ़े को यहाँ पर, चलो हम चलते हैं। हे मामी, इस तरह जीने से तो मेरा मर जाना ये चाहे, मर जाना ये चाहे, मर जाना। नहीं नहीं नहीं, जरा सोचिए, अगर आपने ऐसे आत्महत्या कर ली तो क्या अयोध्या जी में आपकी माता जी जीते जी नहीं मर जाएंगी? दिल छोटा नहीं करते। क्या नाम है आपका? दशरथ। दशरथ, और वो जिसने आपको मारा? वो मेरा बेटा रमन और दूसरा दमन। राम राम, बेटे ने अपने पिता को मारा? एक युग वो था जब बेटे ने अपने पिता दशरथ का कहा मानकर 14 बरस का वनवास काटा था, और एक युग ये है जब एक बेटे ने अपने पिता दशरथ को मारा, कलयुग। आप किस सोच में पड़ गए? सोच रहा था कि इस युग के दशरथ के परिवार वालों के कर्म नीच दुष्टों जैसे, दुष्टों जैसे। मेरा नाम दशरथ था, इसलिए मेरी माँ एक नया वंश चलाना चाहती थी। उसे इस दशरथ के लिए अपनी पसंद की लड़की चाहिए थी। उसे लड़की मिली, मगर उस वक्त जबकि इस दशरथ का एक पांव बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुका था। फिर मैंने अपने दोनों बेटों का नाम रमन और दमन रख दिया। मुझे कमला पर बहुत विश्वास था, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा चालाक निकली।
उसने एक कोरे कागज पर मेरे दस्तखत करवा लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। मुझे भिखारी बुला दिया, भिखारी बुला दिया। नहीं 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 नहीं, भगवान राम पे विश्वास रखिए। सुनिए, ये लीजिए रुपए, अयोध्या जी जाइए, माँ जी को लाइए और यहाँ उनका इलाज कीजिए। मगर ये सब उपकार आप किस लिए कर रहे हैं? धर्म का पालन उपकार नहीं होता। वैसे आप अयोध्या जी से कब तक लौटाएंगे? कुछ 4-5 दिन में। 4-5 यानी कि मंगलवार तक? जी हाँ, हनुमान जी के दिन। हनुमान जी, सुनिए, इतवार को इनका घोड़ा रेस में दौड़ेगा, सोमवार तक इनका जो कुछ होना है हो चुका होगा, मंगल के दिन मैं आपको आपके घर किसी न किसी रूप में मिलूंगा। आप हैं कौन? भगवान श्री राम का एक भक्त। अब आप चलें, आपको अयोध्या जी जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु सुखी रखे। घोर कलयुग, प्रभु तेरी इस धरती पे कैसे कैसे इंसान हैं और कैसे कैसे शैतान। शैतान सिंह जी, हमने रेस कोर्स के अलावा दूसरे प्राइवेट बुकियों के पास भी कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए अपने चेतक पर लगाए हैं। वो फ्लूक है, दैट आई नो, लेकिन जीतना उसी को चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और अब कुछ ही देर में आज की रेस शुरू होने वाली है। ओफ, सुबह सुबह कौन छींक? आहा, मिस्टर पवन कुमार। तो आप भी रेस खेलने का शौक रखते हैं? क्यों? खेलना भी बुरा, देखना भी बुरा। वैसे तुम कौन से गधे नहीं घोड़े पे माल लगा रहे हो? देखिए, एक तो मैं पुलिस वाला हूँ और अब भी ड्यूटी पर हूँ, और दूसरे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता। तो फिर आप ये रेस कोर्स में क्या करने आए हैं? बताता हूँ, अपना जिंदगी में एक ही मिशन है। क्या? और वो है उस उड़ते हुए जासूस को पकड़ना। न जाने कब, किस भेस में, कहां मिल जाए। अब छींकना नहीं, नहीं, मैं खा गया, छींका गया। अगर तुमने उस उड़ते हुए जासूस को पकड़ लिया ना, तो ये चमत्कार हो जाएगा। अच्छा? और अगर चमत्कार ही देखना है ना, तो मुझे याद मारो। कैसे? शैतान सिंह। शैतान सिंह नहीं, मेरा नाम हनुमान सिंह है। शैतान सिंह वो जो जॉकी है। जॉकी? हाँ, वो जिस घोड़े पर बैठ रहा है ना, उस पे थोड़ा नामा लगा दो माल। टोकरा? नहीं नहीं नहीं। अरे थोड़ा सा? नहीं। अरे थोड़ा सा? नहीं। अरे मान जाओ। अरे भाई नहीं। अगर भाई कहते हो तो भाई का कहा मानो, लगा दो थोड़ा सा माल, जुए के लिए नहीं, यूं ही जीत जाओगे तो किसी जरूरतमंद को दे देना। हाँ, और अगर हार गया तो? हार गए तो फिर मुझसे ले लेना। ये हुई ना बात, तो जाके लगाता हूँ। और रेस शुरू हो गई। शैतान सिंह का घोड़ा तूफान में सबसे आगे निकलता जा रहा है। ये क्या, शैतान सिंह पीछे रह गया? और चेतक जो आज का फ्लूक था, शैतान सिंह से आगे निकल रहा है। चेतक आगे बढ़ता जा रहा है, शैतान सिंह और पीछे हो गया। क्यों मरवा दिया ना मुझे? लो मेरे पैसे वापस, वो देखो। रेस स्टिल ऑन, रेस अभी चालू है। अरे क्या रेस चालू है, रेस का फैसला तो हो गया, और वो शैतान सिंह देखो लगता है किसी टट्टू पे बैठा है। अपना नाम मत बदलो। मेरा नाम ठाकुर हनुमान सिंह है, वो देखो उधर उधर देखो, देखो। अरे ये भी गायब हो गया। ये कैसा चमत्कार हुआ, अचानक शैतान सिंह में जान आ गई। अब शैतान सिंह चेतक से आगे निकल रहा है। शैतान सिंह विनिंग पोस्ट के नजदीक पहुंच चुका है। शैतान सिंह जीत रहा है। शैतान सिंह जीत रहा है। शैतान सिंह जीत गया। कसम है राग भैरवी की, भैरव सिंह को तो सिर्फ एक ही चिंता रहती है, गरीबों को अमीर और अमीरों को गरीब कैसे बनाया जाए। ओफो, हम गरीब क्या, हम तो कंगाल हो गए हैं। सट्टा खेला तो थक्का लगा,
मटका खेला तो झटका लगा और रेस ने तो हमें सीरियस केस बना दिया है। कसम है राग भैरवी की, 40 लाख रुपया दो 4 करोड़ बना दूंगा। मगर कैसे? स्मगलिंग। स्मगलिंग? मेरी बात मानोगे तो स्मगलिंग से सब किंग हो जाओगे। कोई किंग, कोई क्वीन, मेरा मतलब है कोई राजा और कोई रानी। मगर भैरव सिंह, अब इस मकान को छोड़कर हमारे पास कुछ भी तो नहीं। भाई मैंने जो कहना था सो कह दिया। वैसे कभी आपने वो मूर्तियों का जिक्र किया था? हाँ किया तो था, मगर वो बुढ़िया है ना मेरी सास, दस से मस नहीं होती। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। 40 लाख, 4 करोड़। 40 लाख के 4 करोड़, ये काम होगा और जरूर होगा। मगर कैसे? हम चार हैं, हर कोई अपने हिस्से का 10 लाख देगा। लेकिन मम्मी मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम कहाँ से लाओगे? इडियट, कामिनी बात भैरव सिंह से करती है, लेकिन देखती तुम्हें है और वो तुम्हारा काम कर सकती है। आई सी मम्मी, मजा आ गया मम्मी। मम्मी मेरे ना माँ बाप ना भाई बहन, मैं मांगू तो किससे मांगू? इडियट, बहुत दिनों से भैरव सिंह तुम्हें राग भैरवी सुनाना चाहता है, सुनना मत, सुनने का वादा कर लेना। आई सी, समझ गई। और दमन तुम? आई एम नॉट एन इडियट मैम। तो तुम क्या करोगे? निर्मला के माता पिता चार धाम की यात्रा पर गए हैं और जाने से पहले वो सारी जायदाद निर्मला के नाम कर गए हैं, वो 10-12 लाख की तो होगी मैम। आई सी। लेकिन मम्मी अपने हिस्से के 10 लाख आप कहाँ से लाएंगी? Here you are an idiot. कैसे? बैंक मैनेजर मिस्टर कृष्णमूर्ति मुझ पर लट्टू लाल समझो, मैं उससे लोन ले लूंगी, अभी फोन कर देती हूँ। टाइम वेस्ट मनी वेस्ट। ओह माय मॉम इज ग्रेट। हेलो हेलो, मैं कृष्णमूर्ति साहब से बात कर सकती हूँ? क्या कहा? वो आज सुबह की फ्लाइट से कश्मीर चले गए? क्या 1 महीने के बाद आएंगे? ओह माय गॉड। मम्मी मम्मी, अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो बेहोश हो गई। मम्मी मम्मी। हेलो निरंजन। प्रिय बालक, प्रिय बालिका, थोड़ा सा पीछे हो जा, हो जाओ, शाबाश। अरे निरंजन, धन के लोभी, धन के लोभी। अलग निरंजन, अलग निरंजन, होश में लाया अलग निरंजन। मम्मी मैं गिली कैसे हो गई? बारिश हुई थी क्या? मम्मी स्वामी जी के खाली हाथ से आप पर पानी की वर्षा हुई और आप होश में आ गई। हाँ मम्मी, आप तो बेहोश हो गई थी, ये तो स्वामी जी का चमत्कार है। निरंजन महाराज, आप कौन हैं? निरंजन, हम जो हैं सो हैं। टेलीफोन पे बैंक मैनेजर नहीं मिला तो आप बेहोश हो गई? आप ये जानते हैं? सिर्फ 10 लाख की बात है ना? आप ये भी जानते हैं? हम ये भी जानते हैं कि बैंक मैनेजर कृष्णमूर्ति जो त्रिवणामलय वाले रमन महर्षि जी का पुजारी है, उसका टेलीफोन आने वाला है। निरंजन टेलीफोन सुनो जी, टेलीफोन सुनो जी। हेलो हेलो हेलो, कौन बोलता जी? मैं कमला बोल रही हूँ। कमला, हेलो, हम कृष्णमूर्ति बोलता। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति जी, आप तो कश्मीर जाने वाले थे ना? ये हम जाने वाला था, एयरपोर्ट गया और मालूम हुआ उग्रवादी टेररिस्ट ना प्लेन में इतना बड़ा बम रखा, हम डर गया जी। तुम तो अपना पत्नी से भी डरता जी। ये तुमको कैसा मालूम हुआ जी? ये किसको मालूम हुआ? बीच में कौन बोलता है हमको, बोलो। ये मैं बाद में बताऊंगी। कृष्णमूर्ति जी, क्या आप मुझे 10 लाख का लोन दे सकते हैं? जी ये 10 लाख हम देगा, तुम और भी कुछ मांगो तो हम देगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। माँ बंद करो, बंद करो। क्यों देवी,
हो गया ना कल्याण? स्वामी जी नहीं, मेरे चरण मत छुओ। तो फिर अगर चरण छूना ही है ना तो अपनी पूजनीय सास के छुओ, अपने देवता समान पति के छुओ। लेकिन स्वामी जी वो तो अयोध्या गए हैं। निरंजन वो देखो, आ गए जी आ गए जी आ गए जी आ गए जी। प्रणाम माँ जी, बाय लागू। जल्दी जल्दी प्रणाम दादी माँ, पिताजी। दादी माँ, पिताजी प्रणाम, लाइए जी मुझे दे दीजिए। बेटा दशरथ, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? माँ यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये सब स्वामी जी का चमत्कार है। निरंजन, स्वामी जी ये मेरी सास हैं और ये मेरे पति दशरथ हैं। माँ जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और रहा दशरथ जी का, इनसे तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने भी 10-10 का बंदोबस्त करना है, जल्दी जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट। स्वामी जी, जी हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे। स्वामी जी ये घर तो आप ही का है। इस घर में कोई वेजिटेरियन कमरा है? जी मतलब शुद्ध कमरा। हाँ हाँ मैं आपके लिए शुद्ध कमरे की तैयारी करती हूँ, आइए आइए। स्वामी जी हाँ। आप कहीं वो आपसे किसी ने मंदिर के बाहर कहा था कि आप माँ जी को लेने अयोध्या जी जाइए, मैं किसी ना किसी रूप में घर आ जाऊंगा। मैं आ गया। अलग निरंजन, ये मैं कह रहा हूँ। अब माँ जी का इलाज जल्दी शुरू करवाइए। अच्छा। अलग निरंजन, देवी हमारा शुद्ध वेजिटेरियन कमरा। वाह राम। सरिता वो तो नाम की बीवी है, जबरदस्ती की शादी। मेरा आज तक उसके साथ कोई संबंध नहीं। अगर संबंध होता तो मेरे यहाँ लवकुश ना पैदा हो गए होते। कामनी दिल से तो मैं तुम्हारा हूँ। ओ डार्लिंग, इधर तुमने पैसे दिए, उधर मेरा काम बना। काम बनते ही मैं माँ के आंचल से निकला, सरिता को छोड़ा, और फिर जन्म भर के लिए तुम्हारा। डार्लिंग तुम कितने अच्छे हो। 10 लाख। भैरव की तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। भैरव की तिजोरी की और मेरी जिंदगी की। पहले मेरा काम हो जाए, रामन और उसके परिवार से मुक्ति पालो। तो तुम पर भरोसा रखूं? सरिता कभी धोखा नहीं देती। अभी लाता हूं 10 लाख। क्या 10 लाख? हाँ हाँ 10 लाख। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रखी है, हम तुम्हारे इस मकान को गिरवी रख देंगे, वो हमें 10 लाख दे देगा। लेकिन लेकिन मेरे माता पिता? अरे उनके आने तक तो मैं ऐसे 10 मकान तुम्हारे नाम खरीद दूंगा। मैं तुम्हारी, मेरा मन तुम्हारा और तन भी तो मेरा हो चुका है। दमन वो मैं क्या, मुझे शर्म भी आ रही है और डर भी लग रहा है। किस बात का? लौका। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, वेरी गुड, मुबारक हो। अरे मेरी औलाद तुम्हारी कोख में करवट लेने लगी, इसमें डर और शर्म की क्या बात है? बस हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। कब? मेरा एक काम हो जाए और तुम्हारे माता पिता यात्रा से लौट आए तब। सच? दमन ने कभी अपनी निर्मला को धोखा दिया है? नेवर। यू आर ग्रेट दमन। वो तो ठीक है लेकिन जवाब नहीं स्वामी जी का। निरंजन। स्वामी जी क्या चाहिए? आपका आशीर्वाद। अखंड सौभाग्यवती भव। ये क्या, आशीर्वाद दे दिया और अब गई नहीं? स्वामी जी वो यही ना कि स्मगलिंग में 40 लाख रुपया लगाया जाए कि नहीं है? जी स्वामी जी। निरंजन, स्मगलिंग क्या अच्छा काम है? स्वामी जी आजकल तो स्मगलिंग को बहुत बड़ा व्यापार माना जाता है। ऐसे बड़े व्यापारी बहुत बीमार होते हैं। जी स्वामी जी। जिनकी किस्मत में डूब कर मरना ही लिखा हो ना, वो फांसी से नहीं मरा करते। जी जी मैं। और सुनो, जैसे कर्म करोगी ना वैसे फल पाओगी। फैंटास्टिक, वंडरफुल। कसम है राग भैरवी की, देखा देखा हमारे टाइम बम का टाइमिंग। Thank you.
वो देखो हमारे आदमी कश्ती लेकर चल पड़े हैं। जहाज आया उससे सामान फेंका गया, फिर टाइम बम फटा, गुब्बारे निकले, गुब्बारों के नीचे पेटियां, पेटियों में हमारा स्मगलिंग का सामान। कल 40 लाख के 4 करोड़ तुम लोगों के होंगे और 1 करोड़ के 10 करोड़ मेरे होंगे। चलो निचल करो, चलो उतरो नीचे। ए बाहर आओ जल्दी, चलो सर एलेक्स मगलर से ले जाओ इनको, बंद कर दो, चलो जल्दी। स्वामी जी हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, स्वामी जी हम बर्बाद हो गए। आप लोग आबाद ही कब थे? लेकिन स्वामी जी स्मगलिंग के लिए आप ही ने तो आशीर्वाद दिया था। अलक्ष रंजन, झूठ झूठ, हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि जैसे कर्म करोगी वैसे फल पाओगी। हम ये देख रहे हैं कि आप एक बेसुरी बांसुरी बनती जा रही हैं। परमात्मा आपको बेसुरा समझकर गटर में फेंक देगा। स्वामी जी क्षमा कीजिए, हमारे कुछ आदमी पकड़े गए हैं, आप कोई चमत्कार दिखाइए ना। कोई चमत्कार नहीं, पापियों की पापी जाने या जाने परमात्मा। और सुनो, अगर मेरी मानो तो भगवान राम के बताए हुए आदर्शों पे चलो तो कल्याण ही कल्याण। आपके राम जी क्या कर लेंगे, अब तो भैरव सिंह ही हमारा भगवान है। रंजन, रावण 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 कभी राम नहीं बन सकता। झूठ झूठ झूठ, कसम है राग भैरवी की, हमारे आदमियों ने हमें धोखा नहीं दिया, ये तो कमबख्त किस्मत ही दगाबाज निकली। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। सबसे पहले तो हमें अपने आदमियों को छुड़ाना होगा, वरना पेपरों के फ्रंट पेज पर तुम्हारी सारिता की, रमन दमन और मेरी सबकी तस्वीरें छपेंगी। लोग समझेंगे कि हम स्मगलर हैं और हम जेल के अंदर होंगे। लेकिन उन्हें जेल से छुड़वाया कैसे जाए, वहाँ तो सख्त पैरा है, और परसों शाम दिवाकर की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। शाम दिवाकर? ये बहुत ही सख्त इंसान है, मैं उसे नर्म कर सकती हूँ। कैसे? किसी जमाने में जब वो स्टूडेंट था उन दिनों मुझ पर जान देता था, मेरी शादी के बाद उसका दिल टूट गया, उसने सदा ब्रह्मचारी रहने का फैसला कर लिया। आजकल वो काम के बाद योग साधना में डूबा रहता है। तो तुम क्या करोगी? योगी को लोभी न सही भोगी जरूर बनाया जा सकता है। वो कैसे? मैं जोगन बनूंगी। अरे देख के इन बेशर्मों को शर्म मुझे यूं आई, उठा के डफली, अरे उठा के डफली गाने लगा मैं, बजा बजा के तिहाई। हे रामा रे रामा रे, कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या मिलने जज को चली, चूहे खाके बिल्ली हज को चली, बिल्ली हज को चली, उमिल्ली जज को चली, कलयुग की कन्या रामा, कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या, हाय हाय कलयुग की कन्या।
है, अरे लज्जा है ना लाज है, बेशर्मी ही तो काज है, पूंजी को ये पूजा समझे, पाप का इन पे राज है, पाप का इन पे राज है, बिन खिले ही, बिन खिले ही मुरझा जाए, पूजा की गली हो रामा, पूजा की गली हो रामा, पूजा की गली। चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्ली हज को चली, कलयुग की कन्या रमा, कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या, हाय हाय कलयुग की कन्या। कौन है आप लोग? योगिराज जी, मैं आपके आश्रम की प्रशंसा सुनकर आ रही थी और ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, मुझे बहुत तंग किया। भाइयों, आपको किसी को तंग करने का कोई हक नहीं। हमने तंग नहीं किया, हमने तो सत्य बोला है। देखिए, कोई बात नहीं, बहस से क्या फायदा, क्या फायदा। आप लोग जाइए, जाइए आप लोग। जाते हैं, लेकिन आपकी रक्षा भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आपने जय बोला, जय हो, परंतु सावधान, सावधान, फिर से बोलो, बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय। योगिराज जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी, मुझसे? जी। आइए, आइए देवी जी, आइए। कहिए, क्या बात है बहन? बहन, मैं सरिता हूँ। सरिता, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे सरिता। हाँ। मैं पहचाना ही नहीं। खैर, मेरे लिए तो अब तुम बहन के समान ही हो। कहो क्या बात है? मैं मजबूर थी, बहुत पाप हुए मुझसे, अब दिन रात पश्चाताप की आग में जलती हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, मरकर नहीं, ज्ञान ध्यान के मार्ग पर चलकर, आपकी तरह। धीरज रखो, धीरज रखो, समय बड़ा बलवान है, और फिर जिसके मन में प्रायश्चित की भावना पैदा हो जाए, उसे तो भगवान यूं ही माफ कर देता है। इसी आशा से तो आपके चरणों में आई हूँ। देखिए, आपके कपड़े गंदे हो गए। जी, मेरी तो आत्मा भी गंदी हो चुकी है। देखिए, मन छोटा मत कीजिए, आप जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए और कपड़े साफ कर लीजिए, जाइए। लाइए, मैं काटती हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ क्यों करती हैं? मैं काट लूंगा, आप जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए। नाना कहिए, बहन को भाई की सेवा करने का पहला मौका मिला है। आप बैठिए, आप बैठिए। मैं काटती हूँ।
शुक्रिया, आप भी लीजिए ना। जी। जी हाँ, तो आप कुछ कह रही थी। गलत, तुम वही सरिता हो जिस पर मैं पहले मरता था, आज भी मरता हूं और हमेशा मरता रहूंगा। नहीं, नहीं। सरिता तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। I love you, सरिता, I love you, love you। मैंने आपको योगी समझा था। मैं प्रेम रोगी हूं। आप में वासना कूट कूट कर भरी है। वासना, वासना अंदर की गंदगी है, उसे निकाल देना चाहिए, उसे नहीं, निकाल देना चाहिए। नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। रामजादे, कमीने, मेरी भाभी की इज्जत पर हाथ डालता है, मैं तुझे दूंगा। क्या हुआ मुझे? तुम्हें क्या हुआ था? ये देखो। सरिता, मैं तुम्हें भाई समझती हूँ। ऐसे मत कहो सरिता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। नहीं, I love you, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। I love you, सरिता। ये सब मैंने कैसे किया? ये तो पाप है, ये पाप है। तो आप पुण्य करो, आगे की सोचो। क्या मतलब? कल हमारे आदमी पांडुरंग और सुल्तान अहमद तुम्हारी अदालत में पेश किए जाएंगे और तुम उन्हें जमानत पर छोड़ दोगे, वरना ये वीडियो फिल्म ना तो तुम घर के रहोगे और ना घाट के। ओके, चलो भाभी। बाय बाय ब्रदर। मुल्जिम पांडुरंग वल जंदा शेखर घानेकर और मुल्जिम सुल्तान अहमद वल रहमतुल्ला दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। सरकारी वकील साहब ने जो इन पर इल्जाम लगाया है वो ठीक लगाया, लेकिन मेरी नजरों में ये बेगुनाह है। इस दुनिया में हर चीज बिकती है और हर चीज खरीदी जा सकती है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा नीलाम घर है, लेकिन नीलामी की बोली लगाने वाले सौदागरों को मैं इतना बता दूं कि कानून की कुर्सी पर बैठे हुए जज की आत्मा बिकाऊ नहीं, और अगर बिकती है तो जज जज नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुजरिम है। कानून की जिम्मेदारी सिर्फ पांडुरंग और सुल्तान जैसे लोगों को सजा देना नहीं है, कानून की जिम्मेदारी उन लोगों तक पहुंचना भी है जो पांडुरंग और सुल्तान अहमद जैसे लोगों को जुर्म करने पर मजबूर करते हैं। कुछ लोग दौलत की मोहर लगाकर शरीफ बने फिरते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों का ताल्लुक इस केस से है, और वो शरीफ लोग हैं मिस्टर भरी अदालत में जज श्याम दिवाकर का कत्ल हो गया, गोली चलाने वाले कातिल का कुछ पता नहीं। Thank you.
रमन। हाँ? हम गिर क्यों रहे हैं? राम जाने। राम का नाम बदनाम करने वाले रमन के मुंह पर भगवान श्री राम का नाम। वाह वाह, अब आप लोग उठिए उठिए। अरे कमाल है, आपने कहा उठ जाओ और हम उठते। हाँ, और इस बार हम गिरे भी नहीं। आप लोग इतना गिर चुके हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं। खैर, पवन कुमार जी, ये मेरे पति रमन है। ये रमन और आप सरिता, शर्म आती है कहते हुए कि आप लोग अपराधी हैं। अपराधी किसके? इस देश के, इस देश की परंपरा के, धर्म के। आप कहना क्या चाहते हैं? रमन के नाम वाला भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन वो एक अच्छा इंसान जरूर बन सकता है। सरिता जी, जी, आपको परंपराओं का वास्ता, अपने रास्ते बदल लीजिए। आप जैसे लोग नहीं बदले ना, तो इस देश के शास्त्र, जो इस संसार के सबसे पहले और पुराने शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के पन्ने सच्चे भक्तों के आंसुओं से भीग जाएंगे। और कुछ? बस सिर्फ इतना ही कि आप लोग अपने आप को पहचानो और भगवान से डरो। हम भगवान को नहीं मानते। मानोगे आज से। कहाँ गए? ये रही वो जज की फाइल जिसमें तुम सबके नाम हैं। अगर मैं यही फाइल पुलिस को दे दूं तो? नहीं नहीं भैरव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कसम है राग भैरवी की, भैरव जब करने पर आए तो सब कुछ कर सकता है। तुम्हें फांसी दिलवा सकता है, कत्ल करवा सकता है। भैरव, हमने जो कुछ किया तुम्हारे कहने पर किया। मैं अपने वफादार कुत्तों को सिर्फ हड्डी नहीं पूरा बकरा खिलाता हूं, लेकिन वफादारी के इम्तिहान और भी हैं। तो आजमा कर देख लो। वो मूर्तियां जो अयोध्या में है उनका पता लगाओ। हमने हर तरीका आजमाया, उस बुढ़िया को भूखा प्यासा भी रखा, उसके सामने उसके बेटे यानी अपने पति को अपने बेटों से मरवाया, उससे जान से मार देने की धमकी भी दी, लेकिन वो बुढ़िया तस से मस नहीं होती। उन मूर्तियों से पहले एक मूर्ति अगर मेरे मन मंदिर में तुमने नहीं सजाई तो कसम राग पैरवी की आग लगा दूंगा। आग? कौन सी मूर्ति? जीती जागती ये मूर्त सरिता। हरामजादे भैरव, अपने आप में रहो, मेरे आपे से बाहर होने का वक्त आ गया है। वैसे भी समग्री के लिए 10 लाख लेते वक्त खुद सरिता ने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था। वो और बात थी, ये बात भी थी कि स्मगलिंग के 10 लाख रुपए लेते हुए रमन ने मुझसे वादा किया था कि वो सरिता को तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। क्यों? रमन और सरिता, तुम दोनों को कोई हक नहीं बनता कि अपने अपने वादे तोड़ो। भैरव सिंह, झूठे वादे करना और दूसरों को धोखा देना हमने तुमसे सीखा है। कसम है राग भैरवी की, उस्ताद के साथ शागिर्द चाल चल जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैरव सिंह, वो दिन गए जब हम तुम्हारी शतरंज के मोहरे। सरिता। भैरव सिंह, मैं वक्त आने पर हालात का चक्रव्यूह भी तोड़ सकता हूं। अच्छा, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं। जिस तरह न्योला सांप को थका थका कर मारता है, मैं भी तुम्हें उसी तरह मारूंगा। सांप बनाया है तो सांप के जहर से डरना। रमन, तुम्हें क्या हो गया है? मां, मुझे पागल कुत्ते से बढ़कर पागल भैरव ने काटा है। चलो मेरे साथ। एक मामूली सरिता के लिए वो इतनी बकवास कर गया और तुमने उसे जाने दिया? कसम है राग भैरवी की, मैं चाहता तो इन सब को अभी मार सकता था, लेकिन अयोध्या में छुपी हुई मूर्तियों का क्या होगा, जिनकी जरूरत मुझे सरिता से भी ज्यादा है।
मिस्टर पवन कुमार। यस। जब मैंने कहा बोल सियावर रामचंद्र की जय तो तुम बहुत जोर से बोले जय। इसलिए कि ये मेरा धर्म है। लेकिन जब मैंने कहा बोल पवन सुत हनुमान की जय तब तुम कुछ नहीं बोले। नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि ये मेरा धर्म नहीं है। क्यों धर्म नहीं है? मेरी मर्जी। हनुमान जी की जय नहीं बोलने वाले एक दिन तुम बहुत पछताओगे। मिस्टर पवन कुमार आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी डबल हो गई। कैसे? एक तो तुम्हारा उस उड़ते हुए जासूस के साथ गहरा ताल्लुक है और दूसरा तुम मेरे हनुमान जी को नहीं मानते। अब भी वक्त है बदल जाओ। मैं तो तब बदलूंगा जब मुझे मेरे राम बदलेंगे। लेकिन वो बदल गया है। वो कौन? भगवान श्री राम? चातुर हनुमान सिंह। चातुर नहीं ठाकुर हनुमान सिंह। ठाकुर हनुमान सिंह ये लो भगवान राम का प्रसाद और ये सुन लो कि भगवान राम कभी नहीं बदलते। और हाँ एक लड़का जो रास्ता भटक गया था वो रास्ते पे आ गया है। नाम है मिस्टर रमन। सरिता अच्छा हुआ हमें मूर्तियों के बारे में कुछ पता नहीं था वरना हम भैरव को सब कुछ बता देते। रमन जब भैरव ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें बुरा लगा? नहीं पहली बार मुझे तुम पर गर्व हुआ। गर्व? और मुझ जैसे कमीने इंसान पर जिसने लोगों के साथ छल किया धोखा दिया जुआ खेला शराब पी धिक्कार है मुझ पर धिक्कार है। रमन सरिता बेटे तो अपने पिता की पूजा करते हैं लेकिन मैंने तो अपने बाप को ठोकर मारी। धिक्कार है मुझ पर मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं कोई हक नहीं। रमन हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा नहीं ठीक करना होगा। सबसे पहले माँ जी को समझाना होगा। माँ को तो मैं समझा लूंगा लेकिन उससे पहले दमन को मर्यादा का सबक तो सिखा दूं। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। छोड़ो मुझे मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। दमन मैंने तुम्हारी औलाद को महीनों अपनी कोख में पाला और अब कहते हो इसकी कोई जरूरत नहीं। इसका क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा ही है? रमन हाँ तुम्हें बच्चा गिरवाने के लिए पैसे चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। वैसे एक लेडी डॉक्टर मेरी पहचान की भी है। रमन पिताजी दूसरे से पहचान करवाने वाले माँ आज तुमने अपना असली चेहरा दिखला दिया। रो मत बेटी रो मत हमने सब सुन लिया। ये तो मेरे लिए और भी आसान हो गया। दमन निर्मला का रिश्ता मांगने कमला बहन आई थी मुझे जो पूछना है मैं उससे पूछूंगा। शादी माँ को करनी है या मुझे? जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। तुमसे कहने को क्या रह गया? तुमसे तो निर्मला की जिंदगी की भीख ही मांग सकता हूँ। भिखारी से भीख मांगने का क्या फायदा? निर्मला की चिंता है तो डालिए मेरी झोली में 10-20 लाख। 10-20 लाख? दमन निर्मला की चिट्ठी से पता चला कि तुम मकान गिरवी रखवा कर 10 लाख पहले ही ले चुके हो। अब तो हमारे पास सिर्फ गरीबी का आंचल और इस लोटे में गंगा जल ही बचा है। इस गंगा जल को संभाल कर रख लीजिए अंतिम समय काम आएगा। दमन शर्मा जी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए जो बाप अपनी बेटी को दहेज में कुछ नहीं दे सकता उसे जहर खाकर मर जाना चाहिए। मत कहो भगवान के लिए ऐसा मत कहो इन पर दया करो और निर्मला की कोख में जो पल रहा है वो हमारा अपना ही खून है उसका तो सोचो। मम्मी डैडी तो बिल्कुल सठे आ गए हैं आओ आओ हम क्लब चलें। अरे क्लब क्यों किसी नीलाम घर जाओ और एक दूसरे की बोली लगाओ बहुत से रुपए मिलेंगे बहुत से रुपए। Shut up you old man. Daman, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go, go! ये मैं कह रहा हूँ। भाई साहब जूता उठाइए और मारिए मुझे मैंने ऐसी संतान को जन्म क्यों दिया। भाई साहब मर गए भाई साहब जहाँ मर्यादा का गला घोट दिया जाए वो घर घर नहीं शमशान होता है।
मैं इस घर को जलाकर खाक कर दूंगा, इस घर को आग लगा दूंगा, जला दूंगा। अगर ऐसा किया तो उससे क्या होगा? मन को शांति मिलेगी। परीक्षा की घड़ियों में मन का संतुलन नहीं खोया करते। भगवान राम पे विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये ठीक कह रहे हैं। कौन है ये? माँ, ये पवन कुमार है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जीते रहो बेटा, भगवान राम तुम्हें लंबी उम्र दे। माँ जी, कसम है बजरंग बली की, इसे तो लंबी सजा मिलेगी। मैं छुट्टा नहीं करवाऊंगा, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा। क्या? देखिए, जो एड्रेस आपके कार्ड पे लिखा है वहाँ पवन कुमार नाम का कोई आदमी नहीं रहता। What nonsense? जी हाँ, यही है ना आपका कार्ड। इसमें मेरा फोन नंबर भी है, आप फोन कीजिए, अपनी तसल्ली कीजिए। चातुर हनुमान सिंह? चातुर नहीं, हम ठाकुर हनुमान सिंह है। फोन करके आते हैं। बेटर। हेलो 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 नहीं हेलो 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 खैर छोड़िए, आप कौन से नंबर से बोल रहे हैं? 5 7 फिर 7 350 यही ना? सत्य कहा आपने। देखिए, आप जहां से बोल रहे हैं उसका यही एड्रेस है ना? तुलसी निवास 47 जय हिंद सोसाइटी। फिर सत्य कहा आपने, यही श्री पवन कुमार जी का निवास स्थान है। पवन कुमार जी का? हेलो हेलो हेलो। देखिए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा था तो मुझसे ये कहा गया था कि पवन कुमार नाम का कोई आदमी वहां रहता ही नहीं है। ये असत्य कहा आपने। क्या आपने श्री पवन कुमार जी से मिलने के लिए अनुमति ली थी? भानुमति? भानुमति नहीं, अनुमति। अनुमति क्या होता है? परमिशन, यानी कि आज्ञा। जी नहीं, मैंने आज्ञा तो नहीं ली थी, मगर कान में उंगली मत करो। अरे तुम्हें कैसे पता चला? सामने खड़ा हूं। सामने? घर सुनो। हाँ। बिना आज्ञा के कोई व्यक्ति श्री पवन कुमार जी के दर्शन नहीं कर सकता। देखिए, मैं ठाकुर हनुमान सिंह बोल रहा हूँ। चातुर हनुमान सिंह? चातुर नहीं, ठाकुर, ठाकुर हनुमान सिंह। उफ, ये भी चातुर कह रहा है। ठाकुर हनुमान सिंह जी, श्री पवन कुमार जी से मिलने के लिए कई लल्लू पंजू आते रहते हैं। क्या आपने मुझे लल्लू पंजू कहा? जो आप हैं, मैंने वही कहा। झूठ कैसे बोलता? मैं आपको गोली मार दूंगा। क्यों, मैं आपका कोई सगा संबंधी हूँ? हेलो हेलो, देखिए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस वक्त श्री पवन कुमार कहाँ मिलेंगे? जी वो श्री दशरथ जी से मिलने रघु भवन गए हैं। रघु भवन? रघु भवन तो यही है। क्या आप दशरथ जी हैं? जी। हेलो, आप एक मिनट चुप रहिए एक मिनट। क्या आप दशरथ जी हैं? जी हाँ। सत्यानाश? किसका? मेरा सत्यानाश, और किसका? वेरी वेरी गुड लड्डू के शौकीन। आप ठाकुर, हो गई ना तसल्ली? सुनिए मिस्टर पवन कुमार। यस। तुम्हारा पीछा नहीं छड़ना, चाहे लग जाएं हथकड़ियां, समझे? इंस्पेक्टर। देखिए जी, अब आप ये नहीं करेंगे। क्या? ओके इंस्पेक्टर। क्या है, डांट क्यों रहे हो? भगवान राम का प्रसाद। ये ले लेता हूँ, क्योंकि ये रिश्वत नहीं है, समझे? जय बजरंग बली। देते रहो। ठीक है। ये क्या चक्कर है? ये चक्र चक्रव्यूह से भी बड़ा है, आप इस चक्र में मत पड़िए। शर्मा जी, आपकी बेटी निर्मला निर्दोष है, भगवान राम पे विश्वास रखिए, एक दिन उसको उसका वर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर, ये मैं कह रहा हूँ। शर्मा जी, आपको चारों धाम की यात्रा का फल मिलेगा, परंतु 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 क्या? शर्मा जी, कभी कभी एक जन्म का प्रायश्चित
किसी दूसरे जन्म में करना पड़ता है। मैं समझा नहीं। क्या करेंगे समझ के, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। अच्छा माँ जी प्रणाम। भगवान राम तुम्हें सुखी रखें बेटे। धन्य। जिसका दिल रोता हो ना उसे कम से कम आंखें तो पहुंच लेनी चाहिए। आइए शर्मा जी। इधर तो आ बेटे। सुन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने ये सांस कब निकल जाए। ना माँ, ऐसा मत बोलो, भगवान तुम्हें हमेशा जिंदा रखे। बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में चुभ रही है। कौन सी बात माँ? परसों पहले पापियों ने अपने देश से मूर्तियां चुराकर विदेशों में बेचना शुरू किया। उस वक्त अयोध्या में तुम्हारे पुरखों के मंदिर से राम सीता और लक्ष्मण की कीमती मूर्तियां चुराने की बहुत कोशिश की गई। फिर सदियों पुरानी उन मूर्तियों के साथ उनके अनमोल आभूषण भी मंदिर से उठाकर तुम्हारे दादाजी ने ऐसी जगह छुपा कर रख दिए जहाँ कोई न पहुँच सके। कौन सी जगह माँ? यही रास्ता तुझे बताना है। बताओ। अयोध्या में? नहीं नहीं बेटे, दीवारों के भी कान होते हैं। चला कान इधर ला। तब से उस मंदिर में रामनवमी नहीं मनाई गई। उसी दिन से क्लेश ने सारे परिवार को जकड़ रखा है। आने वाली रामनवमी के दिन तुम उन मूर्तियों को उसी मंदिर में स्थापित करके अपने हाथ से खूब धूमधाम से रामनवमी मनाना। सारे संकट दूर हो जाएंगे बेटे। माँ तू रामनवमी की चिंता ना कर, मैं ऐसी धूमधाम से रामनवमी मनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ बेटे हाँ। माँ। क्या बेटा? इस वक्त मुझे एक ही चिंता खा रही है। किस बात की? वो शर्मा जी की और भोली भाली निर्मला की। के नाम पर धोखा, माँ बाप को मेरे लिए जहर खाना पड़ा। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार है। तुम्हारा धर्म युद्ध अब शुरू होता है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है। मुझे बहुत कुछ करना है। तुम यहां क्या लेने आई हो? इन पर अपनी लालच का पेट्रोल डालो और लगा दो आग। लेकिन हमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? अरे ओ लाशों का व्यापार करने वाले सौदागरों, देश ने ना जाने कितनों की जाने ली। देश ने
देही ने कितनी सीता और कितनी सावित्रियों को जलाकर राख कर दिया और कितनी निर्मला अनाथ हो गई। मगर बेटा तू अनाथ नहीं है, तू अनाथ नहीं है। मैं इन पावन चरणों की कसम खा कर कहता हूँ कि तेरा कन्यादान मैं करूँगा और तेरी शादी इसी से होगी दमन से। अरे ओ दमन, सुना तुमने, तुम्हारी शादी निर्मला से होगी, नहीं तो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को छलनी कर दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ। बेटे दमन, ये पुलिस केस है, जल्दी से फोन करो, इसमें जरूर इनकी कोई चाल है। यस मम्मी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दमन, तुम फोन नहीं करोगे, अगर तुमने फोन किया तो गवाही तुम्हारे खिलाफ जाएगी। मेरे खिलाफ गवाही? किस बात की? कौन देगा गवाही? मैं और सरिता। सरिता तुम्हारे कहने से गवाही देगी, जो मेरे कहने से भैरव सिंह के पास नहीं गई। माँ, औरत वैश्याओं की दलाली करती है ये तो सुना था, मगर एक माँ, एक सास अपनी बहू की, अपनी बेटी की दलाली करने पर उतर आए, ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। होश में आओ रमन। दमन, होश में तुम आओ। अगर तुमने निर्मला को नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नींद दोनों हरम कर दूंगी। हमारे इशारों पर नाचने वाली हमी को आंखें दिखाती है। आप और आपके खानदान की झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए मैं आज तक आपके इशारों पर नाचती रही, लेकिन आज मेरी आंखों से भ्रम का पर्दा उठ गया है। याद रखिए, जब तक औरत की आंखें घूंघट में रहती है तो समझो वो नम्रता की देवी है, और जब वो घूंघट उठा देती है तो उसकी आंखों से निकलने वाली ज्वाला सारी सृष्टि को चला देती है। बदतमीज, और कुछ कहना है? हाँ, युग युग तक दुख सहा, नहीं कुछ कहा, मगर अब सहूंगी नहीं, मैं चुप रहूंगी नहीं। युग युग तक दुख सहा, नहीं कुछ कहा, मगर अब सहूंगी नहीं, मैं चुप रहूंगी नहीं। Thank you.
निर्मला की तरह किसी की बेटी थी, लेकिन पैसों की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था, अंधा बना दिया था। बेटे तमन, तमन, निर्मला को अपना लो बेटे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वेरी गुड माँ, वेरी गुड। तुम भी नाटक रचाने लगी हो। अब मेरा हुक्म सुनो, तुम सब इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। ये सारी जायदाद भैरव सिंह ने मेरे नाम कर दी है, सिर्फ मेरे। नहीं तमन बेटे, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। नो नो नो, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट। तुम्हारा शागिर्द हूं, जो तुमने बनाया बन गया। एंड नाउ एवरी वन ऑफ यू गेट लॉस्ट। दमन गेट आउट। ये क्या कर रहे हो? हट जाओ, जाओ यहां से। अगर हम नहीं जाए तो कसम है राग भैरवी की, भैरव सिंह इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने भी नहीं देगा। कामनी ने मुझे बताया कि तुम्हारी बुढ़िया माँ ने तुम्हारे कानों में मूर्तियों का राज बताया है। अब तुम्हें खुद बताना होगा कि वो मूर्तियाँ कहाँ हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं। बेटे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाजी, कुछ नहीं। बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो मूर्तियाँ कहाँ हैं। मूर्तियाँ? मुझे नहीं मालूम। माता जी को नहीं मालूम? बता दीजिए ना। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। माँ, 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 बेहोश हो गई। अरे ओ हमारे रामायण के रामन, इसे कुमारा मारना था तो मुझे मारा होता। अच्छा, देखी और पूछ पूछ बता दे, चल बता दे वो मूर्तियां कहाँ है। नहीं बताऊंगा। अरे बता दे, भैरव सिंह की भैरवी से डर। मैं मर जाऊंगा मगर नहीं बताऊंगा। अरे भैरव सिंह तेरे सारे परिवार को राग भैरवी सुना देगा। राग भैरवी कैसे रे भैरवी बनवारी। भैरव सिंह, राग भैरवी अच्छा राग है, सुनकर हमें प्रसन्नता होगी। तुम कौन? मिस्टर पवन कुमार, याद आ गया? हाँ हाँ, मिस्टर पवन कुमार। बोलिए। देखो पवन कुमार, भैरव सिंह के सुरों में राग भैरवी बहुत भयानक होती है। जरा अलापी। कसम है राग भैरवी की। तुम भैरव सिंह हो या उग्रवादी? भैरव सिंह, और ये है भैरव सिंह का पहला सर। छी 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 छी, कितना बेसुरा, बिल्कुल बेसुरा। भैरव सिंह, तुम्हें संगीत से बहुत प्रेम है, आओ मैं तुम्हारे साथियों को और तुम्हें पूरी सरगम सुर में सुनाता हूं। Hey!
की जय। बहरों के इंगेवा माँ। बोलो सा सा रे रे का काम तुला मी बघतो कसा काय बरा मराय मराय सरगमपा सरगमपा हा तनुमा सिद्धा करवा ओ रावण दे पुत्र पैरों ने कबूतर है ना हूँ मनीष गाना सुनो मेहंदी पे लागी मांडवे एनो रंग गयो गुजरात के मेहंदी रंग लाग्यो लाग्यो हमें तो के देखा ची ए ए बाबू मोशाई एक तो सुनो की खबर भालो छे भालो खूब भालो अयो अम्मा रंबो कस्टम जी श्री राम एना समाचारम सौख्यम सौख्यम बोलो श्री राम श्री राम बहुत अच्छे ये लो प्रसाद खुश रहो हे दुश्मन के लड्डू खाता है जय श्री राम जय श्री राम भैरों सिंह भ्रष्टाचारी ना जाने भगवान ने तुझे क्यों पैदा किया है मारो वाले को ये मैं कह रहा हूँ मारो हेलो पुलिस स्टेशन माँ जी क्या हुआ आपको दिल का दौरा रामनवमी करीब आ रही है मेरा कोई भरोसा नहीं मैं रामनवमी देख पाऊंगा नहीं विश्वास रखिए आप रामनवमी जरूर देखेंगे ठीक है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हाँ। कि मूर्तियां कहाँ हैं हौसला रखिए विश्वास रखिए इनको पानी दीजिए मरी अब तुम्हें बताना होगा मूर्तियां कहाँ हैं बहुत गिली गिली करते गए हैं ये मुझे क्या हो गया है ये भैरव सिंह के रंग भैरवी के रंग है पुलिस पुलिस खबरदार हट जाओ कहता हट जाओ कान खोल कर सुन लो अगर किसी ने भी पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताया मैं तो अपने आप को बचा लूंगा लेकिन इसे इसे जो तुम्हारा अपना खून है इसे कोई नहीं बचा सकता समझे प्रभु ये क्या पवन पुत्र तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने बल का प्रयोग किया है अब तुम में एक साधारण मनुष्य की ही शक्ति रहेगी जो जो आ गया प्रभु जो आ गया ना मैं भैरव सिंह की गोली से बचता ना मां जी को गोली लगती मैंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया कसम बजरंग बली की पवन कुमार तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं चाहे लग जाए हथकड़ियां मेरा अपराध क्या है मुसीबत तो इसी बात की है कि मेरे पास
सबूत नहीं मिल रहा, लेकिन तुम अपराधी हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो साफ जाहिर हो गया है कि निर्मला के मां बाप ने आत्महत्या की जी, और निर्मला के बयान से तुम बच गए, लेकिन उस वक्त तुम वहां मौजूद थे जी जब दशरथ की मां को गोली लगी, उस वक्त भी जनाब वही मौजूद थे जी। जी जी, क्या करते हो हनुमान सिंह के गुस्से से डरो? सच सच बताओ, ये गोली किसने चलाई थी जी? कौन सी गोली? पवन कुमार। जय हनुमंत संत हितकारी रखियो प्रभु जी लाज हमारी, जय हनुमंत संत हितकारी रखियो प्रभु जी लाज हमारी। बजरंगबली, ये भी सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चलो हनुमान जी से माफी मांगो। मैं हनुमान से माफी नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे? जय बजरंगबली। मैं सिर्फ श्री राम से माफी मांगता हूं। अरे अजीब आदमी हो तुम, राम को मानते हो और हनुमान जी को नहीं मानते? नहीं 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 नहीं, देखो देखो तुम जहां भी जाते हो कोई ना कोई घोटाला होता है। क्यों? मुझे शक की नजर से देखते हैं आप। हाँ हाँ, शक की नजर से नहीं बल्कि मुझे यकीन है। हाँ, मुझे यकीन है कि उस उड़ते हुए जासूस के साथ भी तुम्हारा कोई गहरा संबंध है। सच बोलो। मेरा किसी जासूस के साथ संबंध नहीं। तो फिर तुम कौन हो? मैं भी नहीं। ओफो बजरंगबली, मैं क्या करूं? आप मुझे जाने दीजिए दशरथ जी के पास, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जाओ जाओ दशरथ जी के पास। सुनो, आज तुमने वो नहीं किया। क्या? अब करूं तो किस मुंह से करूं? करते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जाओ। और सुनो जी, आज तुमने मुझे वो भी नहीं दिया। क्या? प्रसाद। प्रसाद की तो अब मुझे जरूरत है, मैं चलूं। ठीक है, जाओ जाओ अस्पताल जाओ। अजीब बात है, पैसे लिए बगैर आप एडमिशन नहीं देंगे? देख नहीं रहे इनकी हालत कितनी बिगड़ रही है? हम मजबूर हैं मैडम। तो इसका मतलब ये हुआ गरीबी एक सजा है। आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। गए थे लेकिन वहाँ डॉक्टरों की हड़ताल है। ये कलयुग है कलयुग, यहाँ डॉक्टर भी स्ट्राइक पे जाते हैं। शहर में सरकारी हॉस्पिटल का एक ही है। डॉक्टर साहब, हम दूसरे सरकारी अस्पताल भी गए थे, वहाँ अस्पताल का स्टाफ हड़ताल पर है। कहीं डॉक्टर स्ट्राइक पे, कहीं स्टाफ स्ट्राइक पे, इस देश का क्या होगा? बहस छोड़ो और सोचो कि आप क्या करें। मैं किसी दोस्त से कुछ मांग लेता। पवन कुमार जी के होते हुए कहीं और जाने की क्या जरूरत है? बहन, पैसे वाला पवन कुमार कोई और था, अब तो मैं आप लोगों से भी निर्धन हूँ। जी मैं समझी नहीं। मैं समझा भी नहीं सकता। अब तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? पवन कुमार जी, ये? आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, आप ये जेवर बेचकर जल्दी से पैसे ला दीजिए। मरीज की जान बचाने के लिए अबला नारियों को जेवर बेचने पड़ते हैं। अरे कलयुग, वाह। डॉक्टर साहब, आप इन्हें एडमिट कर लीजिए, थोड़ी देर में पवन कुमार जी रुपए लेकर आ जाएंगे। ठीक है बॉय, मरीज को अंदर ले जाओ। बाबू मेरी मदद करो, मेरी बीबी अस्पताल में है। बाबू बाबू, ए बाबू, ए बाबू मेरी मदद करो, मेरी बीबी अस्पताल में है। क्या? आपका नाम जगन्नाथ है ना? चंदन लगा के? हाँ चंदन लगा के। आप कैसे जानते हैं मुझे? आप जो लीला रचाते हैं ना, वो मैंने देखी है। बाबू उस लीला का तो सर्वनाश हो गया, कोई आके मंडप में आग लगा गया। चंदन लगा के? चंदन लगा के नहीं बाबू, चूना लगा के। रो मत, भगवान राम पे आस्था रखो, ठीक ढंग से काम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान का स्मरण करूंगा। मैं भगवान राम का जाप। जाप इस युग का एक बहुत बड़ा मंत्र है, इसी मंत्र का जाप करो, समझे? करूंगा, मैं भगवान का जाप करूंगा बाबू, मैं भगवान का जाप करूंगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं जाप करूंगा बाबू, मैं भगवान का जाप करूंगा, मैं बाबू भगवान का जाप करूंगा। अरे अपना भगवान तो ये है। राम कामली जी, आप? पवन कुमार जी, अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो आप गाड़ी के नीचे आ जाते। दशरथ जी बीमार हैं, मैं उनके इलाज के लिए जेवर बेचने आया था, किसी ने मेरी जेब काट ली। शुक्र कीजिए
किसी ने गला नहीं काटा। गले की मुझे चिंता नहीं, चिंता है तो ये कि अब दशरथ जी का इलाज कैसे होगा। पवन कुमार जी, आप आज तक मुझे गलत समझते रहे। आपको नहीं मालूम कि औरत का दिल कितना नाजुक और कोमल होता है। जी चलिए, मैं आपको पैसे देती हूँ इलाज के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भगवान आपका भला करे। ड्राइवर जी, गाड़ी जल्दी चलाइए। क्या कहा उसे नहीं मालूम कि मूर्तियां कहां? बकवास करता है। कसम राग भैरवी को उसे सब मालूम है कि मूर्तियां कहां, लेकिन वो बता नहीं रहा है। अपने आदमी छोड़कर उसके जिस्म से बूंद बूंद खून निकलवा लो, अपने आप बता देगा। अरे भाई, उसका खून बहेगा तो खून सड़ जाएगा, लेकिन सड़ा हुआ खून ये तो नहीं बताएगा कि मूर्तियां कहां हैं। देखो मेरी जान, तुम एक काम करो। ये पवन कुमार मन का बहुत तगड़ा है और तुम तन की बहुत तगड़ी हो। मतलब? मतलब ये कि ये वो घी है जिसे टेढ़ी उंगली से ही निकाला जा सकता है। हे राम, मुझे स्नान करना पड़ेगा। दशरथ जी के लिए रुपए दिए नहीं और मुझे कमरे में बंद कर लिया। आप कामनी नहीं कमीनी है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ। कलयुग, घोर कलयुग। राम जी, इसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? पाप छोड़ कर कर ले भक्ति, पर कर ले भक्ति। पाप छोड़ कर कर ले भक्ति, मिलेगी तेरे मन को शक्ति। जन जन मेरी पायल फिरती,
मैं नहीं रुकता, नहीं रुकता। बोल सियापत के बच्चे, तुझे रिझाने के लिए कामनी ने अपना अंग अंग दिखाया, मगर डीड तू शिकंजे में नहीं आया। अरे क्यों शिकंजे में नहीं आया? पवन कुमार, अब तो मूर्तियों का राज बताओगे? मैंने ना बताया है और ना ही बताऊंगा। ताड़का के भाई नहीं बताएगा? अगर तू राज नहीं बताएगा तो तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो दशरथ का इलाज नहीं होगा और दशरथ मर जाएगा। जाको राखे राम, मार सके ना रावण। रावण? हाँ। पवन कुमार को, और तब तक इसे भूखा प्यासा रखो जब तक ये बता न दे कि मूर्तियां कहां है। दमन, अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। तुम अपने घर वालों के पास जाओ और उनसे जाकर इस तरह मिलो जैसे कि तुम बिल्कुल शर्मन कुमार हो, ताकि उनसे मूर्तियों का राज हासिल कर सको। और जैसे ही वो मूर्तियां मिल जाए उन्हें लेकर सीधा मेरे पास रामगढ़ की हवेली में पहुंच जाओ। ओके। रामगढ़। और देखो, हाँ, सरिता को लाने मत भूलना। ठीक है, अब जाओ अस्पताल। ओके। पिताजी, मां मुझे माफ कर दो प्लीज। रमन भैया, सरिता भाभी, निर्मला, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? एक भाई का प्यार जो मैंने पागलपन में खो दिया था, और एक माँ का आंचल जो वक्त की धूप से जलने से मुझे बचाता रहा। चलो, रात का भटका सुबह घर तो आया। रमन, दरवाजा बंद कर दो। आज मैं तुम सब लोगों को मूर्तियों का राज बता देना चाहता हूं। जी पिताजी। गौर से सुनो, अयोध्या जी में अपनी पुरानी जगह है ना, जहाँ गणेश जी की मूर्ति है। हाँ, मुझे याद है, मैं और रमन भैया कभी कभी वहाँ जाया करते थे। उस मूर्ति के नीचे एक पुराना खंडहर है और उसी में वो तीन मूर्तियाँ रखी है। कमला जी, उन मूर्तियों को गंगा जल से स्नान करवा कर रामनवमी के दिन हम अपने कुल मंदिर में उनकी फिर से स्थापना करें। फिर ईश्वर की कृपा से हमारे परिवार पर कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपको जाने नहीं देंगे। अरे डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ मरीज भगवान के द्वार तक पहुंच जाता है। मैं क्या अयोध्या जी नहीं जा सकता? नहीं पिताजी, इस हालत में आपको वहां नहीं जाना चाहिए। दमन ठीक कहता है पिताजी, दिल के मरीज को रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जैसे तुम लोगों की राय, मगर रमन दमन तुम दोनों का वहां जाना बहुत जरूरी है। सरिता भी साथ में जाएगी। जहाँ रमन वहीं सरिता, रमन दमन सरिता। तो फिर निर्मला का आपके पास रहना बहुत जरूरी है। कमला जी, उन मूर्तियों की स्थापना का काम विधि पूर्वक होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते सब काम सिस्टमैटिक। दमन बेटे, तुम्हारे होते हुए नहीं, हम सब क्या होते हुए। हाँ वही मम्मी, हमारे होते हैं सब काम विधि पूर्वक होगा। कमला जी, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट। जाओ जाओ जल्दी जाओ 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 जाओ, जाओ, जाओ। जीते रहो बेटे, जीते रहो बेटे, जाओ जाओ। हे राम, हे राम, हे राम। शाबाश।
हाँ खोलो खोलो। मैं हनुमान चालीसा सुन रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया? बस यूं ही। इसमें बड़ी शक्ति है, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। पवन कुमार जी, जी जब हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है तो हनुमान जी में कितनी शक्ति होगी? यही एक ऐसा देश है जहां भगवान के भक्त की भी पूजा की जाती है। बाकी हनुमान के बल की बात वो राम की राम जाने। आपने ठीक कहा पवन कुमार जी। दमन कहाँ है? मैंने उन सबको अयोध्या जी भेज दिया है। दमन सुधर गया है? दमन नहीं सुधरा, वो भैरव सिंह के कहने पे चाल चल गया है। चाल चल गया? हाँ। मगर मैंने तो उसको मूर्तियों का सब राज बता दिया है, अयोध्या जी भेज दिया है। हमें फौरन अयोध्या जी जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पहुँचने वाले होंगे। भैया ये तो वही जगह है जहाँ बचपन में हम खेला करते थे। रमन बेटे, रमन फिर ये लो दमन। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज मुख कंजारुणम यही है वो मूर्तियां। कंदर्प अगणित अमित न जाने कितनी अनमोल मूर्तियां चुरा कर पापियों ने इस देश से बाहर भेज दी हैं। उन पापियों ने मूर्तियों को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को बेचा है। भैया आप और भाभी ये मूर्तियां लेकर चले, हम आते हैं। जुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। मम्मी रघुनंदन चलिए देखते हैं उन पेटियों में क्या है। हाँ हाँ चलो। कौशल चंद दशरथ नंदन कमन, माँ कहाँ है? माँ माँ और मैं पेटी लेके आते हैं, तुम ये मूर्ति लेके चलो। कमन माँ कहाँ है? माँ वो Thank you.
कमला। ये क्या हुआ? कमल ने मुझे मारा, उसके बाद न जाने क्या हुआ। ये लोग सब कहाँ हैं? बाहर तो कोई भी नहीं है, मूर्तियां भी नहीं है। इसमें जरूर दमन का हाथ है, उसकी नीयत खराब हो गई। न जाने उसने भाई भाभी के साथ कैसा सुलूक किया होगा। उन्हें कहाँ ढूंढे हम? ये मैं जानता हूँ, वो भैरव सिंह के ठिकाने रामगढ़ में मिलेंगे। पकड़ो इन्हें। ले चला इन्हें रामगढ़ की हवेली में। भैरव सिंह कमीने, औरत पे हाथ उठाता है। खामोश। सारे तक तुमने क्या कहा? शिकार नहीं करोगी? अरे ओ नादान, जो भी लड़की रामगढ़ की सवेली में आती है वो हमारी मर्जी के मुताबिक सजती है, और जब वो सज सजा कर आती है तो फिर भैरव सिंह राग भैरवी सुनाने से पहले उसके हाथों में खुद कांच की चूड़ियां पहनाता है, क्योंकि सेज पर चूड़ियों की खनक राग भैरवी के सुरों में चल तरंग की तरह बजती है, जो आज भी बजेगी। चलो उठो। नहीं, नहीं। दमन नमूना। नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर हमारी बात मान लो, वरना बिल्कुल इसी तरह गोलियों की बौछार रमन के सीने पर होगी। अगर मैंने तुम्हारा कहना मान लिया तो तुम रमन को छोड़ दोगे? हाँ हाँ, जरूर छोड़ देंगे, लेकिन जब तुम हमारे प्यार के पिंजरे में कैद हो जाओगी तब हम इस पंछी को आजाद कर देंगे। नहीं सरिता, नहीं। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात। अरे चूड़ियां, ये तो सरिता की चूड़ियां हैं। चलिए गाड़ी ठीक हो गई, रामगढ़ पहुंचना है। भैरव सिंह, सरिता को चूड़ियां मैं पहनाऊंगा। क्या कहा? चूड़ियां तुम पहनाओगे? दबन, तुझ जैसा कमीना भाई ना तो इतिहास में कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। जानता है, जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो श्री राम को ढूंढते ढूंढते उनके गहने मिले। उन्होंने वो गहने दिखलाकर लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या तुम इन गहनों को पहचानते हो? तो लक्ष्मण ने कहा, मैंने माता सीता के केवल चरण देखे हैं, केवल चरण। एक भाई वो था और एक तू है तू। अरे खून के रिश्तों की ना सही, कम से कम भाभी और देवर जैसे पवित्र रिश्ते की तो लाज रखता। भैरो, भाभी ये देवर तो तुम्हारे पांव छूने के काबिल भी नहीं रहा, मां कहूं तो किस मुंह से कहूं। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। अच्छा अच्छा, तो अब तुम रामायण के देवर बन गए हो?
तुम्हारे रूप के सामने ये रंग बिरंगी चूड़ियां बिल्कुल फीकी लग रही हैं। ठहरो, ये चूड़ियां बड़ी सितमगर हैं, बहुत कुछ करती हैं। क्या तुम नहीं जानते ये चूड़ियां क्या हैं? ये तो तुम ही बताओगी कि ये चूड़ियां क्या है। रंग रंगीली नीली पीली और चमकीली चूड़ियां इंद्रधनुष के रंग दिखाई ये भड़कीली चूड़ियां जो काली चूड़ियां थी
पैरवी की। तुम लोगों का एक पल भी जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। नहीं भैरव। समझी? दमन, बेटे दमन, छोड़ दो इन लोगों को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो इन सबको। आप लोग जाइए, निकलिए यहां से। राम, मैं चाहता तो इन सबको जान से मार देता, लेकिन गोली की मौत से तड़प नहीं होती। नहीं, नहीं। मेरा ये ग्लास खाली होने से पहले अगर तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे कपड़े अलग नहीं हुए तो मैं इन सबको कुत्तों की मौत मार दूंगा। ये दूसरा घूंट है। राम, मैंने जेवर नहीं कपड़े उतारने को कहा है। भैरो! कसम है राग भैरवी की, वरना ग्लास खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। भैरव सिंह, नहीं 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 सरिता, नहीं नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं। हे राम, भगवान के लिए, भगवान के लिए अपने वस्त्र मत उतारिए। श्री राम, श्री राम, शक्ति प्रभु, शक्ति, 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 प्रभु शक्ति, हे राम, शक्ति, शक्ति, श्री राम। आप धन्य हैं। भैरव, अब देखो। मन कुमार जी, आप भगवान राम का भजन गाइए, मुझे भैरों का नाश करना है। श्री राम जय, राम जय, जय राम, श्री राम जय, राम जय, जय राम। भैरो में आया भैरो, श्री राम जय, राम जय, जय राम। Yeah.
भैरो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन कुमार जी, आप हैं कौन? मैं जो भी हूँ आपको अयोध्या जी में बता दूंगा। अयोध्या जी? हाँ, कल रामनवमी है, आप कमला जी और सरिता जी को लेके अयोध्या जी जाइए। रमन दमन को मैं अपने साथ ले आऊंगा। जो आ गया हो ना हो, मुझे तो ये कोई अवतार लगते हैं। सरिता जी जरा रुकिए। अब आप लोग अयोध्या जी के लिए पधारिए। जय श्री राम। पवन कुमार जी, सुनाओ राग भैरवी। राग भैरवी कई बार से दूध पियोगे? दूध पियोगे? भैरव सिंह उठ। जी पवन कुमार जी। अरे अरे मैं ये क्या बन गई? भैरो अब बोलो। मैं बोलूंगी नहीं। तो मैं तो गाऊंगी। क्या 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 नसीतम हाय हाय, क्या क्या नसीतम हाय ढाती है चूड़िया, क्या क्या नसीतम हाय ढाती है चूड़िया, जब भी किसी कलाई में आती है चूड़िया, बेशर्म भैरों, ये रहा तुम्हारा असली रूप। मैं लंकेश। चुप बे फटे हुए खेस। इस बार लंकेश सीता को उठा कर ले जाएगा ऋषिकेश, फिर न कर सकेगा कोई मुझ पे केस। राम
इस युग में तुझे मारकर सारी दुनिया के दिल को पहुंचाऊंगा। थे मैं रमन और तमन को लेकर अयोध्या जी की ओर उड़ जाऊंगा और तुम उड़ोगे ऊपर। उतरो उतरो सिपाही उतरो। अरे ये तो कोई नौटंकी वाला लगता है। अरे भाई कौन हो तुम? लंकेश क्या बकवास कर रहे हो? सच सच बताओ कौन हो तुम? पहले मारने वाला था, अब मरने वाला हूँ। मरने वाला? अरे लेकिन तुम कहाँ से गिरे, कैसे गिरे हैं? पवन कुमार बोलो उड़ता हुआ मूर्तियों के साथ। हाँ बोलो अयोध्या की तरफ। अयोध्या? अरे अब तो सचमुच मर गया। हवलदार इस लाश को जीप पे डाल दो। पवन कुमार बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए आइए पवन कुमार जी, आइए मूर्तियां स्थापित कीजिए। अरे ये तो ठाकुर हनुमान सिंह है। जल्दी चलिए दरवाजा बंद कर लीजिए, किवाड़ बंद कर दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। अब आप इतना बता दीजिए कि आपका असली रूप क्या है? मेरा रूप? जी हाँ, ये मैं कह दिया हूँ। मैं श्री राम का एक भक्त हूँ। तो फिर आपको श्री राम जी की सौगंध है जी। आप अपना असली रूप बता दीजिए। मेरा असली रूप देखना है ना, तो उसकी आज्ञा श्री राम के चरणों में पढ़ के लीजिए, क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान श्री राम, हे प्रभु, पवन कुमार जी को आज्ञा दीजिए कि वो अपना असली रूप दिखाएं। मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ हनुमान। मैं कहता था ना, ये जरूर कोई अवतार है। पवन सुत हनुमान की जय। दरवाजा खोल, तेरा पीछा नहीं छड़ना मैं आज। खोल दरवाजा खोल दो जी। मैं आखिरी बार कहता हूँ दरवाजा खोलो। जय बजरंग बली। मेरा नाम ठाकुर हनुमान सिंह है। चलो हवलदार गिरफ्तार कर लो, चलो बाहर निकलो एक एक करके, और चालाकी नहीं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप जिन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं वो साक्षात हनुमान जी हैं। अच्छा चोर का भाई गिरहकट है। जी ये मैं कह रहे हूँ। चलो पछताओगे। चलो बोल सियापति रामचंद्र की जय। बालक भगवान राम तुम्हारा भला करें। थैंक यू। ठहरो। अच्छा तो तुम हो, मेरा शक सही निकला, और वो भी भेस बदल कर। लेकिन मैं चक्कर में आने वाला नहीं, खबरदार। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ और इस सारे खानदान को भी गिरफ्तार करता हूँ। तुम लोग मूर्तियों के चक्कर में तो हो ही, मगर किसी दूसरे देश के जासूस भी हो। तुम सबको गिरफ्तार करता हूं मैं। चलो चले। हाँ चलो। एक बार फिर करोगे क्या? चलो भगवान राम को प्रणाम तो कर लो। हाँ जय श्री राम। चलो हवलदार। देखा ये है मेरे बजरंगबली, प्रणाम करो इन्हें।
मैं उसे ही प्रणाम करता हूँ जिसे करता आया हूँ और करता रहूंगा। अच्छा पछताओगे। पता है इन्हीं बजरंग बली के आशीर्वाद से आज मैंने उस उड़ते हुए जासूस को पकड़ा है, यानी तुम्हें पकड़ा है। अब देश को कोई खतरा नहीं। खतरा है बालक। क्या? जब तक इस देश में लोगों के चरित्र नहीं बदल जाते खतरा बना रहेगा। जब तक इस देश में बलात्कार होता रहेगा खतरा बना रहेगा। जब तक इस देश में दहेज प्रथा रहेगी खतरा बना रहेगा। जब तक प्रांत प्रांत और भाषा भाषा के झगड़े चलते रहेंगे खतरा बना रहेगा। जब तक धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों के खून होते रहेंगे खतरा बना रहेगा। जब तक लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसते रहेंगे नीलाम होते रहेंगे खतरा बना रहेगा। और कुछ कहना है? हाँ ये कहना है कि माँ बाप को कोई अधिकार नहीं कि वो अपनी संतान का नाम देवी देवताओं पीर पैगंबरों अवतारों और गुरुओं के नाम पे रखें। अगर रखें तो उनमें उनके संस्कार भी डालें। अगर माँ बाप संस्कार ना डाल सके ना तो नौजवानों को चाहिए कि अपने अपने धर्म का पालन करके देश की रक्षा करें। तभी इस देश में राम राज जैसा सुंदर राज आएगा। बहुत खूब बहुत खूब। देखो बहुत हो गई लेक्चरबाजी। अब चलो जेल में तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है। चलो, चलो। बालक बालक नहीं, मेरा नाम हनुमान सिंह है। हनुमान सिंह जी मैं तो चला। कहाँ? अपने श्री राम के चरणों में। जय श्री राम।